दोस्तों अगर आप भी आरसीबी के प्लेऑफ में पहुंचने से खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों जीती तो मुंबई की टीम है, लेकिन जश्न जोरदार का मनाया है आरसीबी की टीम और उनके खिलाड़ियों ने। लेकिन कैसे जीत के जश्न में आरसीबी की टीम इस तरीके से मग्न हो गई कि सब कुछ भूल गई, ये सब आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या आरसीबी इस बार का फाइनल जीत पाएगी या नहीं, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों आईपीएल 2022 का अंत आखिरकार आ ही चुका है, लेकिन इसे समाप्त करने के लिए अभी फाइनल्स तो बाकी हैं, यहाँ तक कि एलिमिनेटर और क्वालिफायर्स भी तो होने हैं। लेकिन इसके लिए अभी तक चार टीमें नहीं मिल पाई थी, परंतु मुंबई और दिल्ली की टीम के बीच में खेले गए रोमांचक मुकाबले के दौरान हमें वो चौथी टीम भी मिल गई है जो कि सीधा आईपीएल के प्लेऑफ में पहुंच चुकी है, लेकिन केवल खुद के दम पर नहीं बल्कि एक टीम के सहारे से। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अब तक लखनऊ सुपर जॉइंट्स और उनसे पहले गुजरात टाइटंस और फिर राजस्थान रॉयल्स की टीम भी प्लेऑफ में अपनी जगह बना चुकी थी। इन तीनों टीम के या तो 18 अंक थे या फिर गुजरात इकलौती ऐसी टीम बनी जिसके 20 अंक हैं, तो जाहिर सी बात है इनका तो प्लेऑफ में टिकट पक्का हो चुका था। असली लड़ाई चल रही थी आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में। अब दोस्तों आरसीबी की टीम ने भी अपना पिछला मुकाबला जीता, अपने 16 अंक पूरे कर लिए, मतलब कि दोस्तों आरसीबी की टीम क्वालिफाई करने के लिए तो तैयार थी, लेकिन उनका असली दुश्मन उनका नेट रन रेट बन चुका था। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, आरसीबी की टीम का नेट रन रेट 16 अंकों के बावजूद -0.2 था, जो कि दिल्ली की टीम के नेट रन रेट से बहुत कम था, उनका तो 0.2 पॉजिटिव था, मतलब कि दो गुना बेहतर। और दिल्ली की टीम को केवल मुंबई के खिलाफ जीतना था, अगर वो जीते तो जाहिर सी बात है नेट रन रेट में कंपैरिजन के चलते उन्हें प्लेऑफ का टिकट मिल जाता। लेकिन मुंबई की टीम तो दोस्तों मुंबई की टीम है, वो पुराने रवैये के साथ खेले और दिल्ली की टीम को हरा कर खुद तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन आरसीबी की टीम को प्लेऑफ में पहुंचा दिया। और जाहिर सी बात है पूरी आरसीबी का खेमा इस बात की दुआ कर रहा था कि मुंबई की टीम इस मैच को जीत जाए, और वो जीत भी गई। और जीतने के बाद तो दोस्तों ऐसा जश्न मना आरसीबी की टीम के खिलाड़ियों में जो कि सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है। अब तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं कि विराट कोहली गले मिल रहे हैं तो वहीं मैक्सवेल तो नाचने लगे। इवन विराट कोहली भी कई तस्वीरों में नाचते नजर आए, फाफ डुप्लेसिस भी खुशी से भावुक नजर आए थे, और आरसीबी का पूरा स्टाफ और मैनेजमेंट इतना खुश था कि मानो उन्हें आईपीएल की ट्रॉफी ही मिल चुकी है। खैर दोस्तों सेलिब्रेशन तो बनता है, क्योंकि अगर इस तरीके से कोई टीम प्लेऑफ में पहुंच जाए तो उसके लिए किसी सुनहरे लम्हे से कम नहीं होता। आरसीबी की टीम एक लंबे अरसे के बाद प्लेऑफ में पहुंचने जा रही है, तो जाहिर सी बात है खुशी के साथ साथ थोड़ा बहुत डर भी होगा। लेकिन आप सभी को क्या लगता है दोस्तों, आरसीबी की टीम इस बार का आईपीएल जीत पाएगी या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों मुंबई और दिल्ली की टीम के बीच में अंतिम ओवर तक चला गया मुकाबला, लेकिन कैसे आखिरी ओवर में मुंबई की टीम ने दिल्ली को मात दी और आरसीबी को प्लेऑफ में पहुंचा दिया, आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, विराट कोहली और रोहित में बेहतर खिलाड़ी और कप्तान कौन है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों आईपीएल 2022 का सबसे रोमांचक मुकाबला मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स की टीम के बीच में खेला गया। आपको बता दें कि मुकाबला मुंबई की टीम का था, लेकिन सपोर्टर सारे आज आरसीबी के थे। दोस्तों इस मुकाबले की शुरुआत हुई रोहित शर्मा के टॉस जीतने के साथ, टॉस जीता गेंदबाजी चुनी और दोस्तों रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी व अपनी टीम की गेंदबाजी से ऐसा धावा बोल दिया दिल्ली कैपिटल्स पर जिसकी तो पंत एंड कंपनी ने कभी भी कल्पना तक नहीं की होगी। मैदान में आते ही दोस्तों बुमराह की गेंदबाजी का कहर कुछ इस तरीके से दिखाई दिया कि हर कोई बेबस नजर आया उनके सामने। सबसे पहले दोस्तों पारी के तीसरे ओवर में डेनियल सैम्स ने डेविड वार्नर को पवेलियन बिठा दिया था, वो भी बहुत ही कम रन पर। अभी वार्नर का विकेट मिला ही था कि अगले ओवर में आकर जसप्रीत बुमराह ने मिशेल मार्च जैसे खिलाड़ी को शून्य पर आउट कर दिया। इतना ही नहीं दोस्तों जो रन लगा रहे थे दिल्ली की टीम के लिए यानी कि पृथ्वी शो, उनका विकेट भी पारी के छठे ओवर में बुमराह के ही नाम रहा। 24 रन पर पृथ्वी शो बुमराह की खतरनाक गेंद पर कैच आउट हो गए। दोस्तों बैक टू बैक तीन विकेट गिरने के बाद दिल्ली की टीम का टॉप ऑर्डर तहस नहस हो गया था और कहीं ना कहीं टीम की बल्लेबाजी डगमगा गई थी कि पंत कप्तान मैदान में आए और कप्तानी पारी खेल गए। आपको बताएं दोस्तों ऋषभ पंत ने कोई बहुत ज्यादा बड़ी पारी तो नहीं, लेकिन एक अच्छी व महत्वपूर्ण पारी खेली, 33 गेंदों में 39 रन बनाए, तो वहीं पवेल भी 43 रन लगा गए। कुल मिलाकर दोस्तों जो दिल्ली कैपिटल्स की टीम हमें बहुत कम स्कोर यानी कि 150 से भी कम के स्कोर पर आउट होती नजर आ रही थी, वो जाते जाते मुंबई इंडियंस की टीम को 160 रन का दोस्तों ये लक्ष्य वाकई में सम्मानजनक था। मुंबई की टीम के खिलाफ अब दिल्ली कैपिटल्स की टीम को इस लक्ष्य को बचाना था। मुंबई की टीम की तरफ से सलामी जोड़ी को संभालने आए रोहित और ईशान, और दोस्तों मुंबई की टीम की भी शुरुआत कोई ज्यादा अच्छी नहीं थी। पांचवें छठे ओवर तक रोहित शर्मा मात्र 2 रन बना पाए थे। प्रेशर में बल्लेबाजी कर रहे रोहित अल्टीमेटली 2 रन पर आउट हो गए शार्दुल ठाकुर के हाथों। हालांकि ईशान किशन ने 35 गेंदों में 48 रन लगाकर कहीं न कहीं टीम को सहारा जरूर लगाया था।
लेकिन दोस्तों असल मायने में आज मुकाबला दो और तीन खिलाड़ियों ने ही बनाया, टिवाल ब्रूस, तिलक वर्मा और टिम डेविड ने। और मानिए या फिर ना मानिए, लेकिन आरसीबी की टीम को प्लेऑफ में पहुंचाने के जिम्मेदार यही तीनों बने हैं। दोस्तों डेवाल ब्रूस एक अरसे बाद मुंबई की टीम की तरफ से खेल रहे थे और जैसे उन्हें तिलक वर्मा जैसे थाकड़ बल्लेबाज का साथ मिला, उन्होंने अपने बल्ले पर से सारे बांध उठा दिए। 33 गेंदों के अंदर इस खिलाड़ी ने 3 छक्के लगाए और 1 चौका भी लगाया और 37 रन की शानदार पारी खेली। लेकिन इनका विकेट गिरने के बाद एक बार फिर से मैच में रोमांच दोगुना हो गया था। जीतने के लिए दोस्तों 17 गेंदों में 30 रन चाहिए थे और तिलक वर्मा और टिम डेविड स्ट्राइक संभाल रहे थे। वैसे तो रन ज्यादा नहीं बचे थे, लेकिन मुकाबले में रोमांच इतना बचा था जिसकी किसी ने कोई कल्पना ही नहीं की। दोस्तों डेवाल ब्रूस के आउट होने के बाद सबको लगा कि मुंबई प्रेशर में आ जाएगी, लेकिन उसी ओवर में टिम डेविड ने ठाकुर को छक्का जड़ दिया और अब अंतिम 5 ओवर का सफर शुरू हो गया था। फिर पारी के 17वें ओवर में कई छक्के और चौके निकले तिलक वर्मा और टिम डेविड के बल्ले से। और दोस्तों इसी के चलते पारी के 17वें ओवर में 17 रन मिल चुके थे अब मुंबई इंडियंस की टीम को। परंतु टिम डेविड नाम के इस धाकड़ बल्लेबाज ने असली मुकाबला पलटा पारी के 18वें ओवर में, जब उन्होंने शार्दुल ठाकुर को बैक टू बैक 2 गेंदों में 2 धमाकेदार छक्के जड़ दिए। दोस्तों यहां से मैच का रुख ही बदल गया था। मुंबई वन साइडेड विनर लग रही थी कि तभी मैच फिर से पलट गया। शार्दुल ठाकुर ने टिम डेविड को 34 रन पर तो आउट किया ही, साथ ही तिलक वर्मा भी 19वें ओवर में आउट हो गए। वैसे तो अंतिम ओवर में जीतने के लिए मात्र 5 रन की दरकार थी, लेकिन दोनों बल्लेबाज नए थे, कोई भी सेट नहीं था। लील अहमद को गेंद थमाई गई, लेकिन पहली गेंद नौ बॉल हो गई और फिर इस पर चौका जड़कर रमनदीप सिंह ने मुंबई की टीम को जिता दिया। और इसी तरीके से दोस्तों मुंबई की टीम की जीत के साथ आरसीबी की भी जीत हुई है और उनको प्लेऑफ में जगह मिल गई है, दिल्ली बाहर हो गई है। आपको बता दें कि अपनी टीम की इतनी बड़ी हार पर ऋषभ पंत ने अपने बयान में कहा, इस सीजन हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, हम पॉइंट टेबल में टॉप की पोजीशन पर भी रहे, लेकिन हमने वही गलती कर दी जो हम बार बार करते रहे। उन मुकाबलों में हार गए जहां पर टीम को जीतना चाहिए था, लेकिन हमने बहुत अच्छी गेंदबाजी करी। मुझे लगता है कि बल्लेबाजी में ही हम वो 10 से 15 रन की दूरी पर रह गए जो हमें बनाने चाहिए थे। मुंबई की टीम हो या फिर कोई और ही टीम क्यों ना हो, अगर आपने 180-185 का लक्ष्य दिया है तो जाहिर सी बात है आपके जीतने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। हमारे गेंदबाजों ने प्रयास तो किया, पावर प्ले में विकेट भी निकाले, लेकिन शायद उन खिलाड़ियों को नहीं रोक पाए जिन्हें वाकई में रोकना चाहिए था। और जब टिम डेविड जैसे खिलाड़ी आउट थे और हमने DRS की मांग नहीं करी, तो टेक्नोलॉजी का आखिरकार यूज ही क्या जब खिलाड़ियों को आउट ना दिया जाए। मैदानी अंपायर के फैसले से टिम डेविड नॉट आउट रह गए, वो भी हमारी टीम की हार का एक बड़ा कारण रहा है। लेकिन फिलहाल हार पर अफसोस करने से ज्यादा हमारा फोकस अगले सीजन में आकर जीतने पर रहेगा। अफसोस इस बात का कि टिम डेविड आउट नहीं हो पाए, जिसके चलते हम इस मुकाबले में हार गए। DRS ना लेने की गलती इतनी भारी पड़ेगी सोचा नहीं था। जीत की बधाई बहुत बहुत मुंबई की टीम को और RCB को प्लेऑफ में पहुंचने की, अगली बार जरूर हम फाइनल में पहुंचेंगे। दोस्तों पंत का दुख उनके हर एक शब्द से बयान हो रहा था। आपको बता दें कि बड़ी मेहनत करी दिल्ली की टीम ने, जद्दोजहद में लगे रहे ऊपर पहुंचने के लिए, लेकिन प्लेऑफ से एक कदम पहले बाहर हो गए। आप सभी को क्या लगता है, पूरे मैटर में अंपायर की गलती थी या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आप भी RCB के प्लेऑफ में पहुंचने से बेहद खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों MI की जीत से पॉइंट टेबल पूरी तरीके से साफ हो चुका है, 4 टीमें अब सामने आ चुकी हैं जो पहुंच चुकी हैं प्लेऑफ में। लेकिन कैसे RCB की टीम फाइनल्स को जीत जाएगी ये सब आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है इस बार का IPL कौन सी टीम जीतने वाली है, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आखिरकार IPL 2022 का टूर्नामेंट अपने सबसे अंतिम पड़ाव पर पहुंच ही चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें IPL 2022 के सभी मुकाबले अब लगभग समाप्त ही हो चुके हैं, बस एक मुकाबला बचा है, लेकिन उसका कोई खास महत्व नहीं, क्योंकि दोस्तों इस मुकाबले में जो भी टीम हारेगी या जीतेगी उसका प्लेऑफ में पहुंची टीम से कोई ताल्लुक ही नहीं है, ना ही पॉइंट्स टेबल में कोई फेर बदल से। जिसके चलते दोस्तों हमारे सामने वो 4 टीमें तो हैं जो प्लेऑफ में पहुंच चुकी हैं, साथ ही साथ अब RCB की टीम के लिए फाइनल्स नहीं बल्कि IPL की ट्रॉफी को जीतने के भी दरवाजे खुल चुके हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको ये बताते हैं कि सभी मुकाबलों के बाद आखिरकार पॉइंट्स टेबल का हाल क्या है। दोस्तों DC और मुंबई की टीम के बीच में खेले गए इस मुकाबले के दौरान MI की टीम ने टॉस जीता था, पहले गेंदबाजी चुनी थी और गेंदबाजी चुनकर दिल्ली की टीम के खिलाड़ियों को खूब पछाड़ा। दिल्ली की टीम की तरफ से केवल पंत यानी के कप्तान 39 रन लगा पाए और पॉवेल जाते जाते 43 रन लगा गए। हाँ शुरुआती दौर में पृथ्वी शॉ ने भी 24 रन लगा दिए थे और अक्षर के भी 10 गेंदों में 19 रन के चलते टीम 160 पर ही पहुंच पाई। लक्ष्य ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन रोहित शर्मा के 2 रन पर आउट होने के बाद यह लक्ष्य भी विशाल लगने लगा।
हालांकि ईशान किशन की 40 रनों से ज्यादा की पारी ने मुकाबले में जीत की राह बिछा दी थी, जिसके बाद तो दोस्तों तिलक वर्मा, टिम डेविड और डेवाल्ट ब्रूस ने मिलकर बड़ी आसानी से अपनी टीम को अंतिम ओवर में विजयी बना दिया।